हरियाणा से हैं केलावती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आदाब, जय हिंद। सर मैं टीके कैप्सूल और ये काला गूंद ले रही हूँ 3-4 महीने से। तो सर मेरा टीके कैप्सूल से तो बिल्कुल ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं रही? पोटी पार्टी भी टाइम पे आने लगी, ना पेट दर्द रहता ना गैस रहती है जी। लेकिन हाँ जी, गूंद से मेरे 50% आराम है सर। अब ऐसा हो गया सर कि बीपी हाई होने लग गया और जी घबराने लग गया, क्या इस या गूंद से जी घबराता है या पी केयर कैप्सूल से? ठीक। हाँ सर एक क्वेश्चन और है, क्या मैं वो टी केयर कैप्सूल ले सकती हूँ इस खतर दर्द के लिए गूंद छोड़ के? ठीक है ठीक है, हाँ जरूर ले सकती हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा भावुक है आपका जो मिजाज है, तो आप एक ही टाइम लिया करें। क्या टी केयर कैप्सूल आप ले सकते हैं, पी केयर से घबराहट नहीं होती, इससे तो आपको पेट अच्छा होता है और घबराहट दूर होती है। तो पी केयर भी ले सकते हैं, साथ में टी केयर भी ले सकते हैं। लेकिन टी केयर लें तो गोंद सिया छोड़ दें, ये दोनों एक साथ लेना मना है। और अगर आप हेल्दी हैं और कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में तो उसको ज़रूर कम करें। देखिए 40 साल के बाद हम सब लोग, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जब उस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल हमें दिल के आसपास चर्बी जमा देता है और दिल की रगों में भी चर्बी जमने लगती है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घबराहट होती है। तो इसके लिए भी कोई नुस्खा लेना शायद आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।